गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बू बियॉल्ट ब्लांक रिडक्शन। इसे नाम इतना टफ है बोलने में, रिएक्शन टफ नहीं है उतनी। इसको आप सिंपल बीबी रिडक्शन भी याद रख सकते हो, बी बी रिडक्शन आप इस नाम से याद कर लीजिए। बू बियॉल्ट ब्लांक अगर बोलने से अच्छा बीबी रिडक्शन याद कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आज के लिए। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को देखते जाइएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इसमें एस्टर का हम रिडक्शन कर रहे हैं। ये मैं कंपाउंड ले रहा हूं, यहां से देखना चालू करिए। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर की जगह में यहां पर ले रहा हूं ओ ई टी इथाइल ग्रुप ले रहा हूं। यहां पर एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर किसी का भी रिडक्शन करा सकते हैं और फाइनली प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कम समय में। आर सी ओ ओ ई टी इसका हमें रिडक्शन करना है। ये मैंने एक लंबा सा एरो लगाया है और इसका रिडक्शन होता है सोडियम प्लस C2H5OH इथाइल एल्कोहल। आपको बता दूं, यहां पर जो इथाइल एल्कोहल है वो प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट है। और हमारा जो सोडियम है ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन इसके पास ये वाला है। इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लियोफाइल ये इसका काम करेगा। इस रिएक्शन का सबसे मेन पार्ट ये है, आप इसको ध्यान से देखिए। आपको ये मैकेनिज्म मैं बहुत ही सिंपल बनाने वाला हूं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आप ये देख रहे हैं, ये अगर आप देखोगे तो ये कार्बोनिल का कार्बन पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहां देख रहे हैं, देखिए मैं यहां पर एरो के द्वारा आपको बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करता है इस कार्बन पर, कार्बोनिल के कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। और ये जो सोडियम आप देख रहे हैं, ये Na पॉजिटिव सोडियम, ये जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। बस अब देखिए, अब स्टंट, अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आना है। R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर सिंगल O रहा और इससे कौन जुड़ गया, Na जो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया जो मैंने यहां दिखाया है, इसको लिखेंगे यहां पर ओ ई टी। बस इसको हम रेडिकल बोलेंगे, ये सिंगल रेडिकल है, ये बना हमारा एक सॉलिड रिएक्शन करने के बाद। अब हम इस रिएक्शन को हम आगे ले जा रहे हैं, ये आगे फिर सोडियम से रिएक्शन करेगा और ये सोडियम की वही पोजिशन होगी। इस सोडियम से जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, ये E नेगेटिव फिर इस अटैक करेगा इसी प्रोसेस के हिसाब से इसी कार्बन पर, और ये सोडियम यहां से हट जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा R सिंगल बॉन्ड C। ऊपर आप देखेंगे ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सोडियम हट गया है। यहां पर C पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है यहां पर, और इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डाइवेलेंट आयन बन गया। और यहां पर कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है, जैसा का जैसा रहने दीजिए। OET इसको बोलते हैं, बाइवेलेंट बोल सकते हो, बाइवेलेंट एनायन रेडिकल। ये देखिए, ये कंपाउंड बना। अब आगे क्या होगा, ये आगे रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी।
यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की अब रिएक्शन होगी C2H5OH। बड़ा सिंपल है, ये यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल है तो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन्स पर, तो देखिए ये कंडीशन आपके सामने आएगी, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, हमारा ये कंपाउंड बनेगा आर सिंगल बॉन्ड सी। ओ पर जो नेगेटिव है वो ही रहेगा, यहाँ पर हम अभी कोई चेंज नहीं करेंगे, ओ ई टी जैसा का जैसा है, यहाँ पर एच जुड़ जाता है और ये क्या निकल गया इसमें से माइनस सी टू एच फाइव ओ, इसी को ओ ई टी लिख सकते हैं आप, ये निकल गया। अब आगे की कंडीशन देखिएगा, इसमें ये इस पर अटैक कर दिया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का ये वर्क हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, यहां पर से ये जो पार्ट दिख रहे हैं आप, ये ब्रेक हो जाएगा, ओ ई टी पार्ट और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएगा, तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ये देखो आर सिंगल बॉन्ड सी, ओ पर डबल बॉन्ड आ गया आर सीओ और नीचे क्या है एच है, ये हट गया, क्या हट गया माइनस ओ ई टी। आप ध्यान पूर्वक देखते रहिए, मैकेनिक में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, ये हमारा एल्डिहाइड बन, बहुत ही सिंपल होती है अगर आप थोड़ा सा जजमेंट अच्छे से अगर कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब आपको इस रिएक्शन को रिपीट करना है, यानी फिर से टू सोडियम पर अटैक होगा, एक बार यहाँ दूसरी बार यहाँ, तो क्या कंडीशन बनेगी, दो बार सोडियम अगर अटैक करता है तो देखिए कंडीशन ये होगी आर सिंगल बॉन्ड, ये वही पोजिशन चली जाएगी, यहाँ से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा ये वाला सोडियम का, जैसे अपन यहाँ पर दोबारा से दिखा दूं, Na का आयन कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस ई, हमें ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर करना है, एक बार अटैक करेगा और उसके बाद में दूसरी बार अटैक करेगा, तो ये हमारा कंडीशन क्या होगी आर सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर क्या हो जाएगा ओ बॉन्ड यहाँ पहुंच गया तो नेगेटिव चार्ज, एक बार अटैक किया एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरी बार अटैक किया दूसरा इलेक्ट्रॉन आया और इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, एच हमारा पहले से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये देखिए डाइवेलेंट आयन बन गया, सोडियम को दो बार अटैक किया। आगे की पोजीशन जब आप देखेंगे तो ये क्या होगा, अब इस पर फिर से इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, C2H5OH है, ये प्रोटॉन यहां पर फिर कहां अटैक करेगा इसी इलेक्ट्रॉन, और कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर क्या है ओ नेगेटिव, बना रहने दीजिए अब इसको ओ नेगेटिव को, और इस नेगेटिव पर एच आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सी एच, और एक एच हमारा नीचे पहले से ही था, देखिए एक आयन एन आयन बन गया, आगे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा एच थ्री ओ पॉजिटिव से, इसका एच यहां पर अटैक करेगा तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर क्या हो जाएगा एच आ जाएगा तो ओ एच, नीचे हमारा एच है और आगे भी ए एच है, देखिए हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है और इसी को हम बोलेंगे अल्कोहल, अल्कोहल और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी फाइनल चीज। देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपने दूसरी मैकेनिज्म से इस रिएक्शन में सबसे बड़ी बात क्या देखी, कुछ अलग है अटके, पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो रिएक्शन होती है वो जो इथाइल अल्कोहल हमारे पास है और उससे जो हमें जो नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है उससे इसकी रिएक्शन होती है, लेकिन आज की डेट में ये बिलीव किया जाता है, दूसरे साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ये रिएक्शन रियल वे में इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये अटैक करेगा यहाँ पर CO के पॉजिटिव पार्ट पर और ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है C2H5OH से, सोडियम एक बार अटैक कर रहा है, दूसरी बार अटैक कर रहा है, तीसरी बार इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है, रिपीट करते जाइए रिएक्शन को, फिर सोडियम की दो बार रिएक्शन करना है, इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करना है दो बार यहाँ पर और उसके बाद में हमारा ये अल्कोहल बन जाता है, यानी एस्टर से अल्कोहल का बनना बू बियॉल्ट ब्लॉक रिएक्शन कहलाती है, या एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हो तब भी हमारा अल्कोहल ही बनता है। इस रिएक्शन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, यानी इसको ये बता सकता हूं यहां पर लिख सकते हैं
एस्टर इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। सिंपली आप इसको याद रख लीजिए, और ये होता है सोडियम और C2H5OH की प्रेजेंस में, और ये रिडक्शन की रिएक्शन है, और इसको नाम दिया गया है बीबी रिडक्शन। बस कंप्लीटली आपको ये तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।